good morning dear student so today we will going to start a new topic of this chapter that is description list html support a list style which is called definition list where entries are listed like in a dictionary the definition list is the ideal way to present a glossary list of terms or other name value list it is a list of term followed by their डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ये डिक्शनरी के तरह वेब पेज पर डिस्प्ले होता है ये टैग मुख्य वर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर हर टर्म के लिए डेफिनेशन दी जाती है ओके आ डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट एंड एंड विथ डी टैग जो आपके डेफिनेशन जो लिस्ट है हमेशा स्टार्ट और एंड हमेशा होगी डी एल टैग से इट कंसिस्ट अ पेयर ऑफ डी टी एंड डी डी एलिमेंट ये आपका पेयर कंसिस्ट करता है डी टी और डी डी एलिमेंट यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट मेक यूज ऑफ फॉलोइंग थ्री टैग्स। यहाँ पे डी एल का मतलब होता है डिफाइन द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट मतलब आपका लिस्ट को डिफ़ाइन करता है कि स्टार्ट हो गया है ओके okay. डी का मतलब होता है ये यूज़ किया जाता है जिससे ये डिफाइन करता है जो हमने टर्म वेबसाइट में दिया है डीडीटी मींस इट इज़ यूज फॉर टर्म डेफिनेशन यहाँ से आपका टर्म डेफिनेशन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग वेबसाइट में किसी भी वर्ड के लिए आप डी डी डीटी का टैग यूज कर सकते हैं पे स्लैश डी एल डिफाइन द एंड ऑफ द लिस्ट और जैसे ही आप स्लैश डी एल कर देंगे तो ये आपका एंड कर देगी जो भी आपने डेफिनेशन लिस्ट में पुट किया होगा नाउ नेस्टेड लिस्ट वन फ्यूचर डैट मेक्स लिस्ट एक्सट्रीमली पावरफुल इज देयर एबिलिटी टू बी नेम्बेंडेड inside another list is called a nested list order and unordered list can be nested with each other to form a multi level list yahan pe nested list ka matlab मतलब, in very short ki ek list ke andar un list आप बना सकते हैं मतलब एक लिस्ट के अंदर आप उसमें ढेर सारे लिस्ट बना सकते हैं जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं द इनग्रेडिएंट यहाँ पे उसके प्रोसीजर भी डिस्कस किए गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसके अंदर आपको दोबारा उसके लिस्ट देना है चाहे वो ऑर्डर लिस्ट बना रहे हो या फिर अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हो तो थ्रू दिस यू कैन ऐड दिस लिस्ट ओके नाउ टेबल टेबल आर वेरी यूजफुल टू रिप्रेजेंट डेटा इन वेरी फ्लेक्सिबल एंड अट्रैक्टिव मैनर टेबल का यूज़ करके वेबसाइट में आप कोई भी डेटा को काफ़ी अट्रैक्टिव मैनर से यूजर को शो कर सकते हैं अ टेबल इज अ सेट ऑफ रो एंड कॉलम जैसे कि आप जानते हैं कि टेबल एक सेट है रो और कॉलम के लिए अ सेल इज एन इंट्रैक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम जो सेल होता है रो और कॉलम के जो डॉट पॉइंट होते हैं उनको हम सेल बोलते हैं यू मे वॉन्ट टू कंसिडर यूजिंग एस्टिमल टेबल इन योर वेबसाइट इन एडिशन टू क्रिएटिंग एस्टिमल टेबल टू प्रेजेंट डेटा रो एंड कॉलम यू कैन ऑल्सो क्रिएट एस्टिमल टेबल टोकनाइज इन्फॉर्मेशन ऑन योर वेब पेजेस आप एस्टिमल टेबल का यूज़ करके एक वेब पेज में किसी इन्फॉर्मेशन को कैटेगरी वाइज दिखाने के लिए एस्टिमल टेबल का यूज़ किया जाता है वेब पेज पर टेबल का टेबल का यूज़ करके किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं आप इसमें एच में टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है इस टैग का एक सब टैग होता है जिसे हम टी आर यहाँ पर आप देख सकते हैं रो टैग डिफाइन रो टी आर स्लैश टी आर टैग कहते हैं या फिर इसे आप टेबल रो भी कहते हैं क्रिएट अ टेबल एंड एस टी एम एल एस टी एल में कोई भी टेबल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है इसलिए टेबल टैग के बाद रो क्रिएट किया जाता है और रो बनाने के लिए टी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं और जितना रो क्रिएट करना चाहते हैं हम उतने बार टी आर टैग क्रिएट करना पड़ेगा टेबल रो क्रिएट करने के बाद आप रो के अंदर कॉलम भी क्रिएट करते हैं और कॉलम क्रिएट करने के लिए रिमेंबर टी डी टैग का यूज़ किया जाता है ओके टी आर टैग का हम लोग यूज़ करते हैं रो के लिए और टी डी का यूज़ करते हैं हम लोग कॉलम क्रिएट करने के लिए ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस और जितना कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं हमें उतने बार टी डी टैग का क्रिएट करना पड़ेगा नाउ टेबल प्रॉपर्टी द टेबल इन द अबव एग्जाम्पल ड नॉट लाइक अ रियल टेबल एक्सेप्ट रो एंड कॉलम इनहस इट अपेयरेंस एंड अप्लाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाइड अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेबसाइट बनाते वक्त टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं द फर्स्ट वन इज बॉर्डर प्रॉपर्टी ओके ना प्रॉपर्टी उसके बारे में हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे देन सिंटेक्स हाउ टू यूज इट इन वेब पेजेस बॉर्डर इट इज स्पेसिफाई द बॉर्डर विथ बॉर्डर कलर बॉर्डर स्टाइल ऑफ द टेबल एंड इट्स सेल जब आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या शो होगी उसका विथ कलर स्टाइल टेबल का सेल का ओके इसका सिंटेक्स है बॉर्डर कॉलन वैल्यू ओके बॉर्डर स्पेसिंग अगर आपको बॉर्डर में थोड़ा स्पेस चाहिए है तो आप आपका जो सेंटेक्स है बॉर्डर स्पेसिंग वैल्यू जो ये बोल्ड लेटर में आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बुक में दिया है आप यही चीज अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ एडजेंस द सेल यह आपका एक डिस्टेंस क्रिएट करता है बॉर्डर और एडजस्ट सेल के लिए यूज़ किया जाता है नाउ बॉर्डर कोलैप्स इट स्पेसिफाई वेदर द टेबल बॉर्डर आटोबिक कोलैप्स जिन टू सिंगल बॉर्डर और डी अटैच्ड ये ज़्यादातर कोलैप्स के लिए यूज़ किया जाता है बॉर्डर्स में बनाते वक्त वेब पेज बनाते वक्त इसका सिंटेक्स है बॉर्डर कोलैप्स वैल्यू आप इसे पुट करके अपने वेब पेज को काफ़ी क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव यूज़ कर सकते हैं यूजर को दिखा सकते हैं